अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाकयात से वाकिफ रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि एक इंडियन डिलीवरी मैन इतवार की सुबह एक अबू फतीरा के घर के अंदर मरे हुए हालत में पाया गया है। खबरों के मुताबिक बताया गया है कि अबू फतीरा के इलाके में एक घर के अंदर 41 साल भारतीय शख्स जो है वो डिलीवरी सर्विस करने गया था। मकान मालिक के जरिए आर्डर दिया गया था, जिस पर यह बंदा जो है वो डिलीवरी सर्विस लेकर गया था, लेकिन मकान मालिक की तरफ से जो आर्डर के पैसे थे वो देने से इनकार करने पर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद इंडियन शहरी की मौत हो गई। पुलिस मकान मालिक के बेटे की तलाश कर रही है, क्योंकि जांच से ये संकेत मिलता है कि वो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। तो यहाँ पर ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि शायद मकान मालिक के जो लड़का था उसके साथ कुछ लफड़ा हुआ इंडियन शख्स के साथ, और उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े में इंडियन शहरी की जो मौत है वो हो गई है। पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए ये एक बुरी खबर है कि एक जो इंडियन शख्स है उसकी मौत कुवैत के अंदर हो चुकी है। एक तरीके से आप समझ लें कि उसको मार दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले एक हफ्ते के दौरान 33,000 ट्रैफिक टिकट जारी किए गए हैं। बताया गया है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया गया, जिसके नतीजे में कुवैत के अलग अलग इलाकों में अभियान के दौरान कई तरह की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें कई गाड़ियों को जब्त किया गया है और कई जुर्माने जारी किए गए हैं। तमाम लोगों से कहा गया है कि जो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं उसकी पाबंदी ज़रूर करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत जो है वो स्कूल ओपन करने के हवाले से राय मशवरा कर रहा है, और बताया ये गया है कि तीन तरह के ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं स्कूल खोलने के हवाले से। एक ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन ही पढ़ाई जो है उस पर तवज्जो दी जा रही है, एक ऑफलाइन स्कूल खोलने के हवाले से बातचीत चल रही है, और दूसरी जो है वो 50% तक जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल में आ सकें, यानी 50% जो क्लास है वो ऑनलाइन हो और 50% जो क्लास है वो ऑफलाइन हो। इस तरीके से जो यहाँ पर मीटिंग है वो की जा रही है, जबकि बताया गया है कि ईद की छुट्टी के बाद फाइनल जो ऑप्शन है वो देखा जाएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इसके साथ ही सुबह की जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि उसमें इंडिया की कोविशील्ड के हवाले से कुछ अहम तरीन जानकारी जो है वो आपके साथ शेयर की गई है, जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से जारी हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।